नमस्कार, मैं हूँ जब्बार द्वादर। आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो और इस वक्त की बड़ी खबर है कि मैं इस वक्त खेतड़ गांव में मौजूद हूँ और लगभग 30 से 32 दिन हो चुके हैं कि किसानों ने जो खेतड़ यहाँ पर थर्मल का प्लांट है जो यहाँ पर है इसके गेट को ताला लगा रखा है और जो क्या कुछ मांगे इनकी वो मांगे भी हम इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। आप सभी राम राम जी। क्या कुछ मामला भाई साहब गेट को ताला लगा? मामला तो क्या सर, यहाँ पर राखी का टेंडर कर दिया इसने, जो गौशाला उठा रही थी उसी राखी से हमारी गऊओं का पेट भरता था और इसने प्राइवेट बिल्डरों को उस राखी को बेच दिया है। हमने उस राखी को उठाने नहीं देना, यहाँ ताला लगा रखे, हमने 30 दिन यहाँ पर बैठे हो गए। और हमारी मांगे है लाइट की है, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए जिसकी जमीन नहीं। कई सालों से थर्मल यहीं पर है, हाँ जी। फिर इस साल कैसा हुआ कि ताला लगाना पड़ा? अभी तालमेल नहीं बना, कई सालों से यहाँ पर लगा हुआ है ताला। तो देखो, हमने पहले भी लगाया था, हमारे बच्चे झुलसे थे यहाँ पर परले गेट पे, उनको भी आज तक पूरा न्याय नहीं मिला, उनको पूरा मुआवजा ही नहीं मिला। सरकारी नौकरी की भी डिमांड थी उनकी, आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। ताला पहली बार नहीं मारा है, पहले भी मारा हमने, लेकिन सुलह हो जाती है बीच में, फिर ये गोली देते हैं और टरका देते हैं। अब की बार बिल्कुल हमार पार के मूड में है, तब तक नियम हम यहाँ से उठेंगे जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएगी। तब जी क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? मुख्य मांग तो मेन तो शुरुआत में तो पहली मुख्य मांग तो राखी की है, जिसके लिए ये धरना 32 दिन से लगातार धरना चल रहा है। शुरुआत में पहली मुख्य मांग है राखी की, जो काम चल रहा था सुचारू रूप से दोबारा से चालू करवा जाए। दूसरी मांग है, यहाँ चीफ मिनिस्टर ने बोला था उस टाइम पर प्लांट की नींव रखी, भाई जिस घर की जिस परिवार की जमीन जाएगी हर घर को एक नौकरी दी जाएगी, जबकि सारे 132 लड़के लगाए हैं और 719 सेक्स है सारे, मतलब 719 घर की जमीन गई, खाते की जमीन गई और नौकरी लगाई सिर्फ 132। वो जो बकाया रह रहे हैं उस घर को, हर घर को नौकरी दी जाए, बिल्कुल। और तीसरी है पानी का प्रबंध गाँव में पीने के लिए, दोनों जलघरों के लिए प्लांट के माइनर से सथाई पानी दिया जाए, बिल्कुल। तीसरी तीसरी मांग है, जो पहले हादसा हुआ था 4 साल पहले की बात है, उस टाइम भी यो प्रदर्शन करना पड़ा था 3 दिन गांव में, दो लड़के एक्सपायर हो गए थे गांव के, एक लड़का घायल था, एक पावड़ा का भाई था, दो बाहर से थे, उनके लिए भी यहीं रखा था। उन्हें मरने वाले के 20 लाख और जो घायल था उसके 10 लाख की घोषणा हुई थी, 2.5 लाख सभी के बाकी है। नौकरी एक घर को भी नहीं मिली, एक सरकारी देनी थी, एक कंपनी के माध्यम से देनी थी। तो कृष्णलाल पंवार जी मंत्री थे उस टाइम, वो सीएम का संदेश लेके आए थे और वो अभी तक चैनलों पर यूट्यूब पर भी चल रहे हैं प्रोग्राम। ताऊ जी, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? कई बार प्रशासन अधिकारी तो लॉलीपॉप पकड़ा के जाते रहते हैं जी, हमारी मांगों पर कोई ख्याल नहीं रखती है प्रशासन अधिकारी। अब हम पूरे हल्के के पूरे भी जितने भी साथी धरना बैठे पूरे मुंड में, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम राखी नहीं उठाने देंगे। हम जब तक हमारे बच्चे जिस जमींदार के आधा आधा किला दो किले गए थे उन बच्चों को तो रोजगार नहीं मिला, और जब से सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी हम यहाँ से राखी नहीं उठाने देंगे। हाँ, राखी वाला मामला क्या कि राखी सुनने में आ था कि गौशाला उठाती थी, अभी ये कह रहे कि टेंडर हम खुद लेंगे। 6-7 साल से यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, उससे पहले राखी उड़ उड़ के गाँव में आती थी, बुरा हाल था, फसल नष्ट थी, सांस का चरम रोग, इतने रोग थे। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा कर करके इस राखी का उठान शुरू किया, जो राखी से पैसा आता था वो इनकम के लिए, जो इनकम आती थी वो गौशाला खोल दी, इससे उसी गौशाला, पूरी गौशाला उसी राखी पर निर्धारित थी। और आज ये प्राइवेट बिल्डरों को राखी इन्होंने बेच दी है और इसके विरोध में ही हम यहाँ पर बैठे हैं। और हमारी मांगे 10 पूरी मांगे हैं हमारी, सरकारी हॉस्पिटल की मांग हमारी, युवाओं को नौकरी की भी मांग है जिसकी जमीनें गई है वहाँ पर। तो मुख्य मांगे स्टार्टिंग में जो मुख्य मांग है सबसे पहले वो राखी के मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, बिल्कुल राखी के मुद्दे। तो भाई साहब 30 से 32 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार के अभी तक जू तक नहीं रहेंगी है, क्या लगता है क्या रणनीति रहेगी अब अगले? नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा जी, जो इसलिए नहीं रहेंगे मेरे भाई क्योंकि सरकार के MD चीफ और मंत्री की जालसाजी पे एक निजी कंपनी को टेंडर दे दिया और जिसका रेट 150 रुपये होना चाहिए था, इन्होंने अपने हिसाब से रेट निकाला था, सरकारी रेट 150 रुपये प्रति टन, वो महज 10 रुपये में इनने टेंडर दे दिया है। प्रशासन ने पैसे खा रखे हैं, मंत्री ने पैसे खा रखे हैं, हमने बातचीत कर ली, कोई हल निकला नहीं। इसके बाद जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे 30 चाहे 60 चाहे 70 चाहे 6 महीने लग जाओ, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।
और समय समय पर जैसे 25 तारीख को महापंचायत बुलाई है उसमें ठोस फैसला लेंगे, एमएलए मंत्रियों को घेराव करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल, रोड जाम करने की सुनने की 2-3 दिन में रोड जाम करेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों की तरफ से? भाई साहब हमें रोड जाम भी करेंगे, काला दिवस भी मनाएंगे, हम हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम तैयार हैं, और हम तो सरकार को कहते हैं या तो हमारी मांगे पूरी कर दो, थर्मल के दूसरे गेट भी बंद करा दो, हाँ जो थर्मल है उसका पूरा घेराव करेंगे। चलो ताऊ जी लास्ट में भाई अनिल भाई, बिल्कुल अनिल भाई आ गए, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सरकार तक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कमेटी के सदस्य होते हो? भाई हम तो इन भाइयों ने जो बताया वही मांगे हैं, वही सिस्टम, हम तो साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जो मांगे हैं जो बातें सारी बताई थी इन्होंने वही है जी। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया, फिलहाल खेतड़ गाँव के अंदर इस वक्त हम मौजूद थे और इनकी एक ही मांग, खास तौर पर एक मांग को लेकर के यहाँ पर ही बैठे थे। अभी जो 5-7 मांगे हैं उन्हीं मांगों को मनवाने के बाद यहाँ से किसान उठेंगे, यानी कि जिस राखी को खुद गौशाला उठाती थी अभी जो थर्मल के जो एमडी हैं चीफ हैं उन्होंने किसी और को टेंडर दे दिया इस बात को लेकर के, ग्रामीणों ने थर्मल को ही जो थर्मल का गेट है उसको ही ताला लगा दिया है। तो आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी, इनकी जो रणनीति रहेगी, वो भी तमाम तस्वीरें हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खेतड़ गांव से अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। एक मिल बोलते जितने खड़े भाई सारा जिंदा।